विश्व कप 2019 के लिए भारतीय टीम का ऐलान, चयनकर्ताओं ने लिए दो चौंकाने वाले बड़े फैसले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के सपोर्टर हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 100 लाइक का। अभी के अभी भारतीय टीम को सपोर्ट करके एक लाइक ज़रूर करें। इस मई से आईसीसी विश्व कप क्रिकेट का आगाज होना है, जिसके लिए भारतीय टीम ने 15 सदस्यीय खिलाड़ियों को चुना है। उन 15 सदस्यीय खिलाड़ियों का ऐलान कर लिया है। आज मुंबई में हुई बैठक के दौरान भारतीय चयनकर्ताओं ने उन खिलाड़ियों का नाम घोषित किया है जो विश्व कप 2019 में हिस्सा लेंगे। आइए एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि किन खिलाड़ियों को विश्व कप 2019 का टिकट मिला है। दोस्तों, बात की जाए बल्लेबाजी क्रम की, तो बल्लेबाजी क्रम में 6 ऐसे बल्लेबाज हैं विश्व कप में अपने बल्ले का जलवा दिखाएंगे, जिनमें बात की जाए रोहित शर्मा होंगे, शिखर धवन होंगे, केएल राहुल होंगे, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी होंगे और दिनेश कार्तिक भी नाम शामिल है। दोस्तों, बात की जाए विश्व कप 2019 के ऑलराउंडर खिलाड़ियों की, तो जिसमें होंगे भारतीय चयनकर्ताओं ने 4 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को विश्व कप स्क्वाड में जगह दी है, जिनमें से हार्दिक पांड्या, विजय शंकर, केदार जाधव और रविंद्र जडेजा होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जो गेंदबाजी में जलवा दिखाने का दमखम रखते हैं और यह 4 ऑलराउंडर गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करते हैं। गेंदबाजी क्रम का बात की जाए तो भारतीय चयनकर्ताओं ने गेंदबाजी क्रम में उम्मीद के मुताबिक 5 गेंदबाजों को विश्व कप के 15 सदस्यीय स्क्वाड में शामिल किया है, जिनमें से भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद शमी जैसे बेहतरीन गेंदबाज को अपने टीम में शामिल किया है। भारतीय टीम में यह 5 खतरनाक गेंदबाज शामिल हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दी कि भारतीय चयनकर्ताओं ने 2 बड़े चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। उन्होंने विश्व कप स्क्वाड में ऋषभ पंत को शामिल नहीं किया। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत की जगह दिनेश कार्तिक को जगह दी गई है। इसके अलावा अंबाती रायडू को विश्व कप टीम से बाहर कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय विश्व कप के लिए 15 खिलाड़ियों की कुछ इस तरह हैं जिनके नाम अब हम आपको बताएंगे, जिसमें से रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, विराट कोहली, एमएस धोनी, दिनेश कार्तिक, विजय शंकर, केदार जाधव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और युजवेंद्र चहल। मित्रों, इस टीम में आपको किन किन खिलाड़ियों का चयन होना ज़रूरी था हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और ऋषभ पंत के बारे में आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स